सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया सरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आज आपको लेकर के आया श्रीधाम गोवर्धन, और श्रीधाम गोवर्धन में गिरिराजी परिक्रमा मार्ग में आज हम आपको ऐसे दिव्य और अलौकिक स्थान की यात्रा पर लेकर के आए हैं, जहाँ भगवान के कान में जो भी भक्त मनोकामना बोलता है और ठाकुर जी इसको बहुत जल्दी पूरा किया करते हैं। ऐसे दिव्य स्थान की यात्रा पर आज हम आपको लेकर के आए हैं। पहले मैं इस जगह का आपको अवलोकन करके बता देता हूँ। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर आने और गांव है, और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पूंछरी कलौठा स्थान है। अब हम यहाँ खड़े हैं, वो बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में हम खड़े हैं, और इसी परिक्रमा मार्ग में यहाँ एक छोटा सा स्थान है जिसको साक्षी गोपाल जी कहा जाता है, और इस स्थान का दूसरा नाम है कान वाले बाबा। कान वाले बाबा क्यों कहा जाता है इनको, ये पूज्य महाराज श्री के द्वारा हम जानेंगे। तो आइए आनंद लेते हैं आज के दिव्य दर्शनों का, चलते हैं साक्षी गोपाल जी के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं पहले उनके दिव्य दर्शनों का, और फिर इस स्थान की लीला के विषय में पूज्य महाराज श्री से, जो मुखिया जी यहाँ विराजमान हैं, उनके मुख से जानते हैं इस स्थान की दिव्य महिमा के विषय में। तो आइए हमारे साथ। और गिरिराज प्रभु कलयुग में साक्षात ऐसे देव हैं जो जीव की सभी मनोकामना पूरी किया करते हैं, और प्रत्येक महीने पूर्णमासी तक, एकादशी से पूर्णमासी तक यहाँ विश्व से हर जगह से दर्शनार्थी और श्रद्धालु यहाँ पधारते हैं गिरिराज प्रभु के शरण में, क्योंकि ब्रज के ऐसे अलबेले ठाकुर हैं हमारे गिरिराज महाराज जो सभी भक्तों की मनोकामना पूरी किया करते हैं। तो आइए चलते हैं साक्षी गोपाल जी के दर्शन के लिए, और दर्शन के बाद जानते हैं इस स्थान की महिमा के विषय में। श्री राधे, श्री राधे, जय हो मेरे महाराज जी, राधे श्याम। सर्वप्रथम मैं ब्रज महिमा परिवार के सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से गोपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। अब आप दर्शन कीजिए साक्षी गोपाल जी की सुंदर छवि के, बहुत सुंदर दर्शन यहाँ आज श्रीधाम गोवर्धन में हमारे साक्षी गोपाल जी आज बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आज पूज्य मुखिया जी ने बहुत सुंदर श्रृंगार प्रभु को धारण करायो है, और मैं अपने शब्दन में कहूँ तो आज जो शोभा ठाकुर जी की लग रही है वाको मुक्ति वर्णन करना असंभव है। आइए अब चलते हैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में और जानते हैं इस दिव्य स्थान की महिमा के विषय में। क्यों इस स्थान को कान वाले बाबा के नाम से जाना जाता है और क्या यहाँ की महिमा है, तो आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में और उन्हीं के माध्यम से जानते हैं आज की दिव्य लीला। और अब हम पहुंच गए हैं पूज्य महाराज श्री के पास, आइए जानते हैं इस स्थान की महिमा के विषय में। महाराज जी आपको प्रणाम। जय श्री राधे। प्रभु आपसे निवेदन करूं आज यह स्थान की जो महिमा है, ठाकुर जी की जो लीला है, वाको आप अपने श्री मुख आज वर्णन करें। साक्षी गोपाल जी हैं जी महाराज, जो भी भक्त यहाँ परिक्रमा देने के लिए आते हैं, यहाँ अपनी हाजिरी लगवाते हैं, उनकी परिक्रमा की ठाकुर जी हाजिरी लगाते हैं जी। इंद्र का जब मान मर्दन हुआ था तब ठाकुर जी ने यहाँ ब्रजवासियों को, ग्वाल वालों को साथ में लेकर के परिक्रमा दी थी, तो यहाँ साक्षी गोपाल जी ने सब जितने भी भक्तगण थे, ग्वाल वाल थे, देवताओं के साथ जो भी आए थे, उनकी सबकी यहाँ बैठ कर के साक्षी भरी है जी, हाजिरी ली है उस परिक्रमा के, ये साक्षी जी, रहे हैं जी। और जो भी भक्त यहाँ परिक्रमा देने आता है उनके साक्षी है ये, ये परिक्रमा देने आए, देने आए। महाराज इस स्थान को कान वाले बाबा क्यों कहे जाए, ये गिरिराज जी का स्वरूप है, इसमें प्राकृतिक कान बने हुए हैं गिरिराज जी के। देखो जय हो, ये देखो ये सुर है ठाकुर जी का, और दोनों तरफ बने हुए हैं, देखो ये। मैं आपसे निवेदन करूं ये स्थान ऐसा है जहां साक्षात साक्षात ठाकुर जी का मुखारविंद, देखो ये मुख का स्वरूप है, यहाँ से देखो अलंकार, ये ठोड़ी का स्वरूप है, ये मुखारविंद पूरा साक्षी गिरिराज जी का मुखारविंद है, और ये साक्षात कान बने हुए ठाकुर जी, ये सुर है ठाकुर जी। ये कोई मानव निर्मित मूर्ति नहीं है, ये स्वयं प्रकट मूर्ति है जिसके स्वयं कान बने हुए हैं। आपने आज तक ऐसे दिव्य दर्शन कभी किए नहीं होंगे। कान में अपनी मनोकामना कह के जाता है वो 100% पूर्ण होती है। बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ, जो भी जिनके गोद में बच्चा नहीं होता उनके बच्चे की गोद भरते हैं, जिसकी शादी नहीं होती उनकी शादी, मतलब हर नाना प्रकार की मनोकामना जो भक्त मांगते हैं बाबा उनको देते हैं जी जी।
तो पूज्य महाराज जी ने बताया कि ये वो स्थान है कि जो भी भक्त जिस भी कामना को लेकर के हमारे गिरिराज प्रभु के शरण में आता है ठाकुर जी के, तो यहाँ कान में जो भी मनोकामना बोल करके जाता है, ऐसी महिमा है इस स्थान की कि बहुत जल्द उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो आज आपने जानो यह स्थान के विषय में। परिक्रमा देने आप बहुत बार पधारे होंगे, परंतु जानकारी के अभाव में ऐसे स्थानों के दर्शन से आप वंचित रह जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि जब भी आपके ऊपर गिरिराज महाराज कृपा करें और आपको श्री चरणों में बुलाएं, तो आप परिक्रमा देते हुए इस स्थान पर जरूर आएं और इस दिव्य दर्शनों का लाभ आप प्राप्त करें, और जो भी मनोकामना आपके हृदय में रही हो वो यहाँ कान में कह करके जाएं, ठाकुर जी उस जीव की, उस भक्त की मनोकामना बहुत जल्दी पूरी किया करते हैं। ऐसा दिव्य स्थान है और ऐसे सच्चे हमारे गिरिराज प्रभु हैं। कहते हैं कि ब्रज के लाडले ठाकुर हैं गिरिराज धरण, ब्रजवासियों के बड़े प्यारे हैं, पूरे ब्रजमंडल की रक्षा करी है गिरिराज प्रभु ने। तो ऐसे अलबेले ठाकुर जिनकी शरण में जीव आवे से ही कल्याण को प्राप्त करे है। इरादे रोज बनते हैं फिर भी बदल जाते हैं, गोवर्धन भई आते हैं जिन्हें साक्षात गिरिराज जी बुलाते हैं। जय हो। तो जो भक्त जो परिक्रमा गिरिराज जी के देने के लिए आते हैं, उनको कोट कोट उनके पाप खंडित हो जाने के बाद में गिरिराज जी की शरण में गिरिराज महाराज उनको बुलाते हैं। और इनकी ब्रज की क्या है, पूरे संसार पे इनकी कृपा है। कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी का सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लिए उठाए। गिरिराज जी महाराज हमारे पूरे छत्र छाया उनकी पूरे ब्रज में विराज रही है, और जो भक्त इनकी शरण में इनकी छत्र छाया में आता है वो आनंद मंगल जीवन व्यापन करता है। बाको ये लोग और वो लोग दोनों ही सफल जाएं, ये लोग और परलोक दोनों ही उनके सफल हो जाते हैं। जय हो महाराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे ऊपर कृपा करी और यह स्थान की इतनी सुंदर व्याख्या अपने श्री से आज करके बताई, आपको राधे राधे। राधे राधे। मैं आपसे निवेदन करूं यहाँ की एक और बहुत बड़ी महिमा है, उसके विषय में भी जानते हैं पूज्य महाराज श्री के माध्यम से। महाराज जी हमें वह महिमा को भी आप वर्णन करके बताओ। जो भक्त कान वाले बाबा के कान में मनोकामना कह के आते हैं, उनकी मनोकामना के यहाँ स्वास्थ्य लगाए जाते हैं, जो मनोकामना पूर्ण हो जाती है उसके बाद में चांदी के साथ ये चढ़ाए जाते हैं। महाराज जब बोल के जाएं तो काय चीज के बनाए के जाएं? ये गौ के गोबर के। अच्छा, गौ माता के गोबर के। ये है जो भी भक्त अपनी मनोकामना यहाँ बाबा के कान में जो बोल करके जाते हैं वो यहाँ गौ माता के गोबर से यहाँ स्वास्तिक बना करके जाते हैं, और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो बाबा के चरणों में चांदी के स्वास्तिक भक्त आकर के चढ़ाते हैं। ऐसी इस स्थान की महिमा है और ऐसी इस स्थान की दिव्यता भी है। जो भी जीव यहाँ आया कभी खाली हाथ नहीं गया, ऐसे हैं हमारे गिरिराज प्रभु। कहते हैं चारों दिश शोभित सदा जाके संत समाज, और सब देवन में देव हैं मुकुटमणि गिरिराज। ऐसी महिमा है हमारे गिरिराज प्रभु की, और हमारे ब्रजवासियों के तो बड़े लाडले ठाकुर हैं गिरिराज प्रभु। आज आपने ऐसे दिव्य स्थान की यात्रा की है जहाँ जीव की हर मनोकामना गिरिराज प्रभु पूरी किया करते हैं। आज आपने इस यात्रा के माध्यम से हृदय में जिस आनंद को आज अनुभव किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल के ऐसे दुर्लभ दर्शन पहुंच सकें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत वीडियो के साथ, तब तक के लिए गिरिराज प्रभु के श्री चरणों में राधे राधे।